बिहार में गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पटना के कई इलाकों में घर घर तक गैस पाइपलाइन लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इस कड़ी में बीते दिन रुपसपुर थाना क्षेत्र के साकेत सदन अपार्टमेंट में पाइप लगाने के दौरान गोपालगंज जिले का रहने वाला एक मजदूर जिसका नाम अभिनंदन कानू है, वह पहले तले से गिर जाता है और उसे गंभीर चोटें आती है, जिसके बाद उसे आनन फानन में पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ऐसी जानकारी हमें मिली थी। जब इस खबर की पुष्टि के लिए हमने साकेत सदन अपार्टमेंट में रहने वाले शंकर सहाय से बात की तो उन्होंने इस घटना को सही बताते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इस वीडियो में आप सुनिएगा। का यहीं से गिरा था वो? हाँ। कौन सी ये फर्स्ट फ्लोर है ये? सर यहाँ पे बीते दिनों गेल जो पाइपलाइन उससे रिलेटेड कुछ काम चल रहा था, उसमें हमें पता चला है कि यहाँ पे जो कुछ मजदूर काम कर रहे थे उनके गिर कर दुर्घटना में उनकी हालत नाजुक हो गई थी, क्या ये बात सही है? हाँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले गैस का कनेक्शंस का काम चल रहा था और शाम का वक्त था, जो लगभग काम ख़त्म ही हो रहा था और उस समय पाइप का काम जोर शोर से चल रहा था गैस कनेक्शंस का, तो उस सिलसिले में एक मज़दूर जो है लगभग फर्स्ट फ्लोर से वो गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, उसको मतलब ज़्यादा चोट लगी थी? नहीं, गिरा था तो जब हम लोग भी सामने में प्रत्यक्ष नहीं थे, लेकिन जब हम लोग को पता चला कि गिरा है तो हम लोग भी अपने घर से दौड़ के आए तो देखे कि लगभग वो जो है काफ़ी खून भी बह रहा था और खून बह रहा था तो उसको जो है उसके साथ ही जो तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गए, बस इतना ही जानकारी है हम लोग। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी या नहीं? वो पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग के सामने में नहीं आई। अभी सामने में गेल वाले आए थे यहाँ पर? नहीं, हमारे सामने में तो गेल वाले नहीं आए, हमारे सामने में नहीं आए थे। उसके बाद ये लोग क्या वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि काम शायद आउटसोर्सिंग से हो रहा था। काम आउटसोर्सिंग से? जेल वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं नहीं, आउटसोर्सिंग से काम हो रहा था जहाँ तक हम लोग को मालूम चला। आपको बता दें कि घटना स्थल से मजदूर के पांव के जूते और स्वेटर हमें मिले हैं, जिसे आप इसे वीडियो में देख सकते हैं, और इसे अभी तक यानी कि 16 जनवरी तक कोई लेने वाला नहीं आया है। खैर, आगे जब हमने इस खबर की विशेष जानकारी के लिए गेल पटना जीएम रजनीश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने इस पूरी घटना से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और ये खबर झूठी है। बिहार सहित देश और दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।